भावनाएं होंगी इस कोई भी एक थिएटर ग्रुप 13 साल चलाना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और जहाँ तक मुझे याद है अंशु की मेरी पहली बात हुई थी जब लॉकडाउन चल रहा था और लॉकडाउन के वक्त वो ऑनलाइन क्लासेस लेके ही एकेडमी चला रहा था और ऐसे एकेडमी मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा पैसे मिलते होंगे। ये थिएटर का प्यार है जो वो कर रहे हैं, तो मैं बहुत सारी शुभकामनाएं दूंगा। ये एक छोटा सा पौधा है लगाया हुआ इन्होंने, इन्होंने कुछ सोचा होगा और मैं उम्मीद करता हूं और मैं मेरे बेस्ट विशेज है कि वो छोटा सा पौधा एक वटवृक्ष बन जाए। थैंक यू सो मच सर। इसके अलावा और एक चीज़, थिएटर इन दिनों कम होते जा रहा है दिन ब दिन, सर क्या कहना चाहेंगे उस बारे में? क्या है, पहले गेहूं बाजरे की रोटी मिलती थी, अब ब्रेड मिलता है ना, इंस्टेंट फूड का ज़माना आ गया है, तो हर कोई किसी को लगता है क्यों मेहनत करे, मतलब पढ़ाई में भी बच्चे याद करते हैं इसलिए ताकि जाके एग्ज़ाम में लिखे और कल भूल जाए। तो यहाँ भी अभी पैटर्न वही आया, सीरियल के डायलॉग्स बोल दो, कैमरा के सामने आए, चार लोग पहचान दे, हो गया एक्टर। लेकिन अगर आपको लंबे रेस का घोड़ा बनना है तो मेहनत करनी है, और मेहनत करनी तो थिएटर करना है। या जो भी दिखते हैं थिएटर वाले वो ऐसे ही नहीं बने, उनकी 30-30 साल 20-20 साल की मेहनत होती है, तो मेहनत करनी है। अगर अच्छे एक्टर बनना है तो थिएटर करना है कंपलसरी, उसमें कोई ये नहीं, शॉर्टकट नहीं है। अरे बहुत अच्छा यार, थिएटर लवर है आदमी, थिएटर से जो प्यार करते हैं वो मैं तो उससे प्यार कर देता हूँ, हम सबके खून में थिएटर। थैंक यू। आज के प्ले के बारे में बताइए। अब बहुत अच्छा प्ले था, मैंने बताया भी कि मुझे बहुत अच्छा लगा प्ले, और ये बेसिकली थिएटर से जुड़ा हुआ प्ले था, एक एक्टर की मौत, और हर कोई एक्टर तो यही चाहता है कि अगर मेरा जो आज परफॉर्म कर रहा है वो बेस्ट हो, इसलिए मराठी में उसको प्रयोग शब्द है। प्रयोग मतलब आप कुछ भी करो, एक्सपेरिमेंट करते रहो, हर बार अलग होता है, कोई फिक्स नहीं होता कि आज वैसा किया वैसे ही कल भी मैं परफॉर्म करूँगा, कल शायद आज ज़्यादा अच्छा होगा या नहीं होगा। वो ये एक अच्छा प्ले था, मुझे तो अच्छा लगा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, वेरी गुड। याद आ गया जो 13 पे ही पहला मुखड़ा ख़त्म होता है, तो इतना ही सुरीला इसका सफ़र रहा है केडेंस का, और वैसे ही जैसे माधुरी का गाना 1 2 3 4 है, उसमें जैसे डेट वाइज मूवमेंट बताई गई है वैसे ही ये भी आगे बढ़ते रहेंगे, कैडेंस भी आगे बढ़ता रहेगा, और बताएंगे कि 16 को क्या हुआ और फिर 17 को क्या हुआ। सर अभी अभी जो कलाकार थे उनको मैं पूछ रहा था कि जो थिएटर्स है वो कहीं ना कहीं कम हो गए, OTT आ गया है, फिल्म की तरफ बहुत सारे एक्टर्स का रुझान हो गया, तो सर क्या कहना चाहेंगे उस बारे में? एज एन एक्टर क्या लगता है कि थिएटर्स इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा एक्टर के करियर के लिए? ना, थिएटर की एक्टिंग और सिनेमा की एक्टिंग में बहुत फ़र्क होता है, थिएटर का अपना मज़ा है, थिएटर अगर भांग है तो सिनेमा जो है वो वाइन है, आप भंग की यहाँ भंग का नशा ज़्यादा खूबसूरत होता है अगर आप हद से ज़्यादा ना खाएं तो, और वैसे ही है थिएटर का अपना नशा है, इस नशे का तोड़ कोई है नहीं। यहाँ हमको जो है वो मेहनत करने का जो मज़ा मिलता है और तुरंत रिस्पांस मिलने का जो मज़ा मिलता है, तो वो उसका अपना मज़ा है, उसकी अपनी है। इसको कभी थिएटर को हर लोग जो है वो थिएटर को सिनेमा से जोड़ने लगते हैं, मेरे ख्याल से ये छोड़ देना चाहिए, क्योंकि थिएटर और सिनेमा में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, थिएटर अपनी जगह है, सिनेमा अपनी जगह है। तो थिएटर जैसे अंशु हैं, अंशु जैसे और भी लोग हैं, वो लोग मेहनत कर रहे हैं, वो थिएटर अपना एंजॉय कर रहे हैं, ये थिएटर लोग देखते, लोग कमाते हैं देखने, ये थिएटर की ट्रेजेडी है। और दूसरी ट्रेजेडी जो है थिएटर की वो ये है कि स्क्रिप्ट नहीं है, ड्रामा हिंदी प्ले तो बहुत ज़्यादा या तो इंटेलेक्चुअल मिलेगा, सूडो मिलेगा, या नहीं तो फिर बिल्कुल वाहियात मिलेगा। तो ऑडियंस जो है वो तो अब तो वैसे भी ज़माना बदल रहा है, ऑडियंस जो है स्लो मूवी अगर अब देखना नहीं चाहती है तो हमारा स्लो प्ले कैसे देखेगी? तो थिएटर वालों को भी मेहनत करनी पड़ेगी, ये सोचना पड़ेगा कि अब थिएटर को और अट्रैक्टिव कैसे बनाया जाए, ऑडियंस को कैसे लाया जाए, उसके लिए जो है वो मंथन की ज़रूरत है जो थिएटर वालों को करनी चाहिए। सर मिर्ज़ापुर 3 का लोग वेट कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे, क्या आपकी झलकियाँ उसमें भी दिखेगी? बिल्कुल दिखेगी, बिल्कुल दिखेगी, अब एक बार लिया है तो उनको दोहराना पड़ेगा, रिपीट करना पड़ेगा। आएगा थर्ड सीज़न भी आएगा, और मेरे ख्याल से वो उनका कोई भरोसा नहीं है, वो अपनी मर्ज़ी से रिलीज़ करते हैं,
दो साल के बाद शूटिंग शुरू की है, तो फिर वो मार्च तक बोले हैं, तो देखते हैं मार्च में वो रिलीज़ करते हैं कि नहीं। लेकिन हाँ, अगर ये ऑडियंस में जा रहा है ये बाइट, तो ऑडियंस का बहुत बहुत धन्यवाद मैं यहाँ से कर दूँ, और उनसे यही गुजारिश करूँगा कि वो ऐसे ही अप्रिशिएट करें ताकि मुझे और भी काम मिले। सर, OTT को कितना एंजॉय किया, आखिरी सवाल क्या कहना चाहेंगे सर, कितना एंजॉय किया OTT को? आई थिंक OTT जो है वो एक रिफ्रेशमेंट है एक्टर्स के लिए, राइटर्स के लिए, डायरेक्टर्स के लिए, क्योंकि एक मोनोटोनी आ गई थी फिल्मों में भी और सीरियल्स में भी। उस मोनोटोनी को तोड़ा है OTT ने। यहाँ जो सबसे अच्छी बात मुझे पसंद आई है वो ये आई है कि यहाँ राइटर अपनी मर्ज़ी का लिख सकता है, डायरेक्टर अपनी मर्ज़ी से शूट कर सकता है, और एक्टर अपनी मर्ज़ी से परफॉर्म कर सकता है। कोई टेंशन नहीं है, कोई दबाव नहीं है, कोई बोझ नहीं है, और पैसा तो आर्टिस्ट को वैसे भी बहुत ज़्यादा प्रभावित करता नहीं है, रोल ही कैरेक्टर ही प्रभावित करता है, तो पैसे की तो कोई बात नहीं है। अगर यहाँ इंजॉय कर रहे हैं, इंजॉयमेंट बहुत ज़्यादा है OTT में, आपको हर तरह से राइटर भी इंजॉय कर रहा है, डायरेक्टर भी इंजॉय कर रहा है, एक्टर भी इंजॉय कर रहा है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। 13 साल हो गए सर, इतने सालों तक एक थिएटर एकेडमी को आगे लेके जाना कितना चैलेंजिंग है, अभी जब OTT का ज़माना आ गया और बहुत सारी चीज़ें हो रही है, सर क्या कहना चाहेंगे? जी जी जी, सबसे पहले तो कैडेंस को 13 साल हुए, 13 साल से कोई इतने लगाव से एक्टिंग के बारे में विचार कर रहा है, प्रयोग कर रहा है, तो उसके लिए उनको शाबाशी तो देनी पड़ेगी, और आगे इनका जो प्रवास है उसके लिए मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। अभी इन्होंने जो प्ले दिखाया, एक एक्टर की मौत, एक्टिंग किसी कलाकार की जब अंदरूनी ज़रूरत होती है तभी वो इतने लगाव से वो कर पाएगा, ये प्ले में दिखाया। एक्टर जीता है एक्टिंग के लिए, जैसे हमारी अभी बात हो गई है आजकल OTT प्लेटफॉर्म और ये सारी चीज़ें बुरी नहीं है, वो बिजनेस वाली बात है, लोगों का एंटरटेनमेंट होना चाहिए, इसके लिए अलग अलग तरीके आज बिजनेस के माध्यम से अपनाए जा रहे हैं, लेकिन एक्टिंग जब थिएटर की एक्टिंग की बात होती है तो वो आपकी अंदरूनी ज़रूरत ही होती है। मैं अभी कुछ जो एक्टिंग सीखने की इच्छा रखने वाले सबको बताने जा रहा था कि भाई अपने अंदर से जो निकलती है, जब आप एक्टिंग सीखने आते हो, ट्रेनिंग लेने आते हो, तो सबसे अहम बात आपको सीखनी है कि ये जो एक्टिंग मेरे अंदर से निकलती है, मतलब कहाँ से निकलती है, ये कहाँ से निकलती है, मतलब जब भी एक एक्टर को ठहराव आ जाता है तो समझ लेना चाहिए कि उसने ये बातें जान ली है कि उसके अंदर से कहाँ से निकलती है। तो अपने अंदर जैसे जैसे अपना जो डेटा, मेरे लाइफ एक्सपीरियंस का एक डेटा हो जाता है, इमेजिनेशन हो जाता है, विजुलाइजिंग एबिलिटी हो जाती है, अपनी इमोशनल कैपेसिटी हो जाती है, इन सारों के एक PDF बने हुए होते हैं, इन सारों के PDF जो है ना वो रोज अपडेट करते रहने चाहिए। वो एक बार ऐसा नहीं होता कि एक बार वो PDF बन गया तो लाइफ लॉन्ग इस्तेमाल हो जाता, नहीं, ये PDF सारे अपडेट नहीं करते रहें तो आपकी एक्टिंग में एक वो क्या कहते हैं उसको, मतलब तो एक जगह वो ठहराव नहीं आ पाएगा, वो रुक जाती है एक्टिंग, रुक जाती है एक्टिंग, और ऊपर ऊपर की एक्टिंग करने लगता है आदमी। तो ये सारी बातें आप यहाँ आके अपना समय दे रहे हैं, सर आपको सिखा रहे हैं, तो उनसे ये सारी बातें जान लीजिए, और उसके साथ वो टेक्निक तो खैर बेसिक टेक्निक आप जान लीजिए, उसके बाद आपके हाथ में आपको वो टेक्निक को कैसे खिलाना है, करना है नहीं करना है, क्या है। एक वक्त ऐसा आ जाता है, आपको इतना एक्सपीरियंस आ जाता है कि आप उस टेक्निक से खिलवाड़ भी कर सकते हैं, लेकिन ये सारी बात, ये जो बेसिक चीज़ें हैं अपने अंदर के, सारे PDF कैसे अपडेट रखे जाते हैं, इसके बारे में रोज़ सोचा करिए। और कैडेंस थिएटर मेरे ख्याल से इसी रास्ते पर जा रहा है, और ये जो बच्चे हैं वो ज़रूर यहाँ से कुछ लेके जाएंगे, अपने अपने लाइफ को
अपने एक्टिंग को दोनों को सुधार पाएंगे, इसका मुझे विश्वास है। थैंक यू, बड़ा अच्छा लगा यहाँ पे आके। थैंक यू सो मच। मैं पिछले 10-12 सालों से देख रहा हूँ अंशु जी को। हिंदी थिएटर्स बॉम्बे में बहुत लो प्रोफाइल पे चल रहे हैं, लेकिन अगर उसका परचम अंशु जी जैसे लोगों के हाथ में है तो हिंदी थिएटर्स का फ्यूचर बहुत ब्राइट है, बिकॉज ही इज़ रियली वर्किंग वेरी हार्ड डे इन डे आउट। मैं इनके बहुत सारे चीज़ों को फॉलो करता हूँ एंड मैं इनसे बहुत जूनियर हूँ एंड मैं इनको बहुत बैकग्राउंड से बहुत फॉलो करता हूँ एंड आई टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम पीपल लाइक हिम। एंड हिंदी थिएटर्स का अगर फ्यूचर अच्छा होना है तो इट्स बिकॉज ऑफ पीपल लाइक अंशु। कॉन्ग्रेचुलेशन टू एंटायर टीम, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच मैम जी, थैंक यू सो मच। मुझे बहुत कुछ स्पेशल कहना है। देखिए, मैं एक एक्टर हूँ और 10-12 साल मैंने मुंबई में स्ट्रगल किया, 2002 से लेकर 2012 तक, प्रकाश जी की फिल्म की राजनीति और चक्रव्यूह। उसके बाद में मैंने ये पाया कि कहीं ना कहीं मेरे बेस में कमी थी, एज ए एक्टर जो प्रिपरेशन होनी चाहिए वो नहीं थी मेरी। और उस समय मैं केडेंस आया था जब मुझे शायद कुछ भी नहीं आता था, और वो समय मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट था क्योंकि एक बार ऐसा लगा कि मुझे वापस चले जाना चाहिए जयपुर, जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ। लेकिन केडेंस ने उस खाली स्लेट पे वो लिखा जो कि एक एक्टर के लिए बहुत ज़रूरी है, अंशु सर के साथ में और हमारे टीचर्स उस समय जो भी थे साथ में। और 2-3 साल लगातार मैंने यहाँ पर प्रैक्टिस किया, वर्कशॉप्स किए, एक दो प्ले भी किए, और उसके बाद लिपस्टिक अंडर माय ब्रुका 2017 में रिलीज़ हुई और रत्ना जी के ऑपोजिट में था और उसके लिए मुझे सराहना भी मिली। और तब तक मैं अपने पैर पे खड़ा हो चुका था इस कॉन्फिडेंस के साथ में कि मैं कर सकता हूँ। और उसके बाद आज 2022-23 चल रहा है और केडेंस की 13th वर्कशॉप एनिवर्सरी पे मैं यहाँ पे आया हूँ। एक फ़िल्म बना ली है अपनी खुद की एज ए डायरेक्टर, एज ए लीड एक्टर उसमें, और बहुत जल्दी वो फिल्म रिलीज़ होगी। और जो ये नींव पड़ी थी 2012 में, उसके रिजल्ट सब दिखाई दे रहे हैं। तो केडेंस ने मेरी ज़िंदगी बनाई है, नहीं कह सकता। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अंशु जी, आपसे जानना चाहूँगा, 13 साल हो गए जैसे बहुत बड़ा सेलिब्रेशन हो रहा है, तो ये 13 साल की जर्नी को कैसे डिफाइन करते हैं आप, किस तरह की मेमोरीज रही है 13 साल? मेमोरीज तो बहुत कुछ है, मतलब जैसे इस वीडियो में हमने देखा है कि वन रूम किचन से मैंने शुरू किया था, और शुरू में तो हमने नाम भी डिसाइड नहीं किया था। हमको लगा था कि जब डेट डिसाइड होगा कि हम परफॉर्म कब करेंगे, तब हम प्ले का नाम और ग्रुप का नाम डिसाइड करेंगे। तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली कुछ भी आप करना चाहते हैं तो मुश्किल तो है, पर मुझे अच्छे लोग मिलते गए, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो ऐसे लोग मिलते गए जो बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित करते हैं। लिली जी जैसे लोग जो बहुत ज़्यादा पहले से जुड़े हुए थे, जिन्होंने बहुत हेल्प की, इंडस्ट्री से ऐसे कुछ लोग हैं जिनको मैं पहले से जानता नहीं था, उन्होंने बहुत हेल्प किया। और 2-3 साल पहले जब कोविड शुरू हुआ, आई थिंक एक अलग चैलेंज के साथ केडेंस ने अपना परफॉर्मेंस दिखाया। मुझे याद है कि मैंने व्हाट्सअप वॉइस नोट पे पहले वर्कशॉप लिया था, तो तब जूम भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। तो मुझे ऐसा लगता है कि कलाकार कभी भी शांत नहीं बैठ सकते, तो आप कहीं ना कहीं से तो ये शुरू कर ही देंगे। एंड 13 साल का जो सफ़र है वो काफ़ी मज़ेदार रहा, आने वाले 12-13 साल भी मज़ेदार ही होंगे ये आशा करते हुए हम चल रहे हैं। सो थैंक्स टू ऑल पीपल, लवली पीपल, मेरे जितने सारे स्टूडेंट्स हैं, जितने सारे एक्स मेंबर्स है, प्रेजेंट मेंबर्स है, सब ने बहुत हेल्प की है। इनफैक्ट मैं कहना चाहूँगा हमारे राइटर्स बहुत अच्छे हैं, दीपक है हमारे यहाँ पे, दीपक सर, दिलीप सर हैं, तो ये जो हमारे इन हाउस राइटर हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, बेहतरीन लिखते हैं। जैसे लिली जी ने एक चीज़ कहा था कि अगर आजकल आपको लोगों को अट्रैक्ट करना है तो राइटिंग में भी चेंज चाहिए ताकि लोग अट्रैक्ट हो। तो हम लोग हमेशा कंटेम्प्रेरी करने की बहुत सोचते हैं, आसपास जो भी चीज़ें हो रही हैं हम प्ले में दिखाएं, तो वो भी एक कोशिश है और इस तरीके से हम बस कोशिश करते जा रहे हैं। अब 13 साल हो चुके हैं, अब नेक्स्ट क्या होने वाला है, अगर कुछ अपकमिंग प्रोजेक्ट्स या प्लान्स बताएं? प्लान्स तो बहुत सारे हैं, जैसे कि हमने पहले शुरू किया था कि केडेंस में अगर कोई भी एक्टिंग क्लासेस करता है तो फिक्स्ड है उसका प्ले करना, चाहे वो 6 साल का बच्चा हो या 60 साल के बुजुर्ग हो, प्ले करना ज़रूरी है। बिकॉज मुझे लगता है कि जब तक आप प्ले नहीं करेंगे बहुत कुछ नहीं जान पाएंगे, क्योंकि आपके अंदर का जो इंस्टिंक्ट है एक्टर का वो सिंक नहीं हो पाता है, मुझे ऐसा फील होता है। तो आने वाले दिनों में हमने ऐसा भी सोचा हुआ है कि हम बहुत सारे और लाइव प्लेस करने वाले हैं, कमर्शियल प्ले होगा, शॉर्ट फिल्म का एक हमने शुरू किया था, बिकॉज कैमरा एक्टिंग भी लोगों को जानना बेहद ज़रूरी होता है, तो हमने 0 बजट शुरू किया था फिल्म बनाना, वो भी काफ़ी हमने किए हैं। कमर्शियल प्ले की तरफ रुख तो है डेफिनेटली, और कुछ प्लान्स ऐसे भी है जहाँ पे हम स्टूडेंट के साथ कुछ एक्सपेरिमेंट करना चाहेंगे,
तो ये तो वक्त बताएगा, कोशिश तो रहेगी। थैंक यू सो मच।